दिन में एक समय बना सकते हैं और उसमें रोज भागवतम की सेवा पढ़ के सुन के कह के करना ही करना है। अगर हम एक फैमिली में रहते हैं तो आज एक व्यक्ति बोल सकता है, कल दूसरा व्यक्ति बोल सकता है, बाकी सुनेंगे। ऐसे करके रूटीन में हमें भागवत को रोज सुनना है। श्रीमद् भागवतम की महिमा जितना कहे उतना कम है। श्रीमद् भागवतम जैसे जब भगवान मछली बन के आए तो क्या नाम हुआ? मत्स्यावतार। भगवान कछुआ बन के आए तो क्या नाम हुआ? कच्छपावतार। भगवान वराह सुअर बन के आए तो नाम क्या है? वराहावतार। भगवान जब भक्त बन के आए तो क्या नाम हुआ? चैतन्य प्रभु। भक्तावतार बोलते हैं ना, भक्तावतार। भक्ता क्या? नमामि भक्त शक्ति। वो भक्तावतार कौन? जैसे कूर्म बन के आए, जो कूर्म कच्छप कछुआ बन के जो उनको लीला करनी थी, जो कछुआ बन के अच्छे से हो सकती है तो कछुआ बन गए तो नाम पड़ गया कच्छप अवतार, कूर्म अवतार। जो मछली बन के बढ़िया से हो सकता था तो मछली बन गए तो मत्स्य अवतार। तो जो काम भक्त बन के अच्छे से हो सकता था तो भक्तावतार बन गए। और उसी तरीके से जो काम ग्रंथ बन के होता था वो भगवान ग्रंथावतार बन गए। ग्रंथावतार क्या है? श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है। इसलिए हमने यहाँ पे आल्टर में श्रीमद् भागवतम को बिठाया। श्रीमद् भागवतम क्या है? बुक नहीं है। क्या ये अवतार है? ग्रंथ अवतार। ये भागवतम में वर्णन आएगा। किसकी शरण ली कलयुग में धर्म ने? भागवतम की शरण ली। तो जो अब आप जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी आप आए थे, कौन आया था? भागवतम लेने। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक एक करके मत लीजिए, भागवतम पूरा जाएगा। अवतार है वो। जैसे आप राधा कृष्ण का मूर्ति लाते हैं वृंदावन से, तो पैर ले आए इस महीने, चार महीने बाद पेट, ऐसे करते क्या? प्रभु जी वो मूर्ति पीतल की है, अष्ट धातु इतनी महंगी थी, हमको पैर पैर दे दो। चरण राधाष्टमी में चरण दर्शन होते उतनी जरूरत है? ऐसा नहीं होता ना। तो भागवतम है ग्रंथ अवतार, पूरा आएगा, है ना। तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के चरण, ठीक है। तीसरा और चौथा भगवान की जंघाएं, ऊपर जा रहे हैं। जब भी हम दर्शन करते हैं भगवान के नीचे से ही करते हैं चरणों से, सबसे पहले चरण, फिर धीरे 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 अंत में भगवान का मुखारविंद। इसीलिए भागवतम पढ़ते भी कैसे हैं? चरण से, प्रथम स्कंद से, धीरे धीरे धीरे। सीधे मुख पे देखना अच्छी बात नहीं, इसलिए सीधे दसम स्कंद को पढ़ाना अच्छी बात नहीं। तो पहला दूसरा चरण, तीसरा चौथा जंघा, पांचवा नाभि, छठवा भगवान का चेस्ट, सातवा भुजाएं, आठवा दूसरी भुजा, नौवा गला, दसवा फेस, ग्यारहवा माथा, बारहवा सिर। हो गया पूरा? तभी आपको पता है। अब आप समझ लो कौन के स्कंद को पढ़ रहा है, वो भगवान के वो रूप का दर्शन, उस अंग के भगवान के विग्रह के उस अंग का दर्शन कर रहा है, ठीक है। एक बार एक जगह भागवत कथा का आयोजन हुआ, तो वहाँ पे जो प्रवक्ता भागवत कथा करने के लिए बुलाए गए तो आए, तो उन्होंने सबसे पूछा कि आप लोगों में कौन कौन भगवान पे विश्वास करता है? हाथ खड़े करो। कौन कौन करता है भगवान पे विश्वास?
सबने हाथ खड़ा कर दिया आपने से, तो कहते कि जब आप सब, मैं यहाँ कथा करने आया हूँ ताकि आपको भागवत से बताऊंगा और आपको भगवान में विश्वास होगा, पर आपको तो पहले से ही भगवान में विश्वास है, तो मैं कथा करके क्या करूंगा, जा रहा हूँ, चले गए। लोगों ने कहा यार ये क्या बात हुई, हमने इतना अरेंजमेंट करा, ये आए और चले गए, ये क्या बात हुई। वापस गए, उनको बुला के लाए, तो इस बार सब तैयार थे, तो उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, आप लोग भगवान में विश्वास किस किस को है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ने जब ऐसे लोग हैं जिनको भगवान में विश्वास ही नहीं है, तो उनको मैं कथा सुना करूंगा क्या। तो फिर से उनको बुला के लाए, यहाँ खर्चा किया है, तो अब की बार सब तैयार थे, तो उन्होंने फिर वही पूछा, आप लोगों में किस किस को भगवान में विश्वास है। तो उन्होंने सेट कर लिया था पहले से, दाहिने वालों ने हाथ उठाया, बाएं वालों ने नहीं उठाया। तो कहते तो दाएं वाले बाएं वालों को सिखाओ ना, मैं क्या करूँगा। तो श्रीमद् भागवतम मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। नमिसारण में सूत्र गोस्वामी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, जनरली आप ऊपर ऊपर से समझ लेंगे तो आपको ना क्लियर रहेगा, जनरली नहीं तो पता नहीं रहता हमें कहाँ पे क्या चल रहा है भागवतम में, है ना। पढ़ते रहते तो यही वर्ष कौन कह रहा है, जिसने पढ़ा होगा उसको आइडिया रहेगा कह कौन रहा है ना, बात तो अच्छे कह कौन रहा है किससे। कई बार जब मैं शुरू में पढ़ता था, मुझे लग रहा है 2016 की बात है शायद, तो मैं तृतीय स्कंद पढ़ रहा था, तो मेरे को ना उसमें समझता नहीं था कुछ, पढ़ते जाओ बाद में होता था कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, मैं सोचता था यार नारद बोल रहे, पता चला ब्रह्मा बोल रहे हैं। तो मैं ऊपर ऊपर से जिसको चाहिए वह बस चार्ट आप ले लेना मेरे से, ठीक है, श्लोक के साथ संख्या के साथ पूरा डिटेल है, आपको चाहिए। तो पहले श्लोक से बात शुरू होती है, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय तक अंत तक सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि की, सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में एक यज्ञ किया, जिसे कहते हैं भागवतम यज्ञ। उन्होंने कथा श्रवण करने का प्रण किया, 1,000 साल तक करेंगे, क्यों करेंगे, संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए हम ये यज्ञ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने, अच्छा इससे पहले उन्होंने यज्ञ किया, और वो ऐसा वर्णन आता है कि उस यज्ञ करने के जो धुआं उस सबका मुंह काला हो गया, तो नहीं यार ये तो काम नहीं करने वाले ही विधि, कुछ दूसरा विधि करो। तो उन्होंने दूसरी विधि निकाली, भागवत कथा का श्रवण। तो वहां पे उन्होंने सभी 88,000 ऋषियों ने एक नेता चुना जो है सौनक ऋषि, और सौनक ऋषि सूत्र उन्होंने अपने प्रवक्ता चुने सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किए 6, ठीक है। उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवतम चलती है, ठीक है। तो वो 6 प्रश्न उन्होंने किए, उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के लिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि अच्छा जो प्रश्न आपने किए हैं वैसे ही प्रश्न एक बार परीक्षित महाराज ने गंगा के किनारे सुखदेव गोस्वामी से किए थे, उस सभा में मैं भी बैठा था, तो मैंने उन प्रश्नों के उत्तर सुने थे, इसलिए आज वही उत्तर जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था वही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, सारा कुछ आपके लिए हो रहा है, आपने प्रश्न किया कल, ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो बाहर एक लूप है, लूप समझते क्या, जो आईटी किया होगा वो लूप समझेगा ना, इस लूप में क्या चल रहा है, सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि का कन्वर्सेशन चल रहा है, इस लूप के अंदर जाएंगे तो दूसरा लूप है जिसमें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कथा चल रही है, ठीक है। इस कथा में भी परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए, सुखदेव गोस्वामी उसके उत्तर में बोलते हैं अच्छा आपने जो प्रश्न किए हैं ऐसे ही कुछ प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए थे, तो वो उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो उस एक लूप के अंदर आप एक और लूप में आ गए, ठीक है। तो जो तीसरा स्कंद है, पहला स्कंद इसी में ही चला जाएगा, सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी कन्वर्सेशन में, दूसरे स्कंद में जब दूसरा स्कंद शुरू होगा तब सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होगी, टिंग टिंग टिंग, जैसे आप पढ़ेंगे दूसरे स्कंद ऐसी होती है जैसे रॉयल कोई हीरो आता है ना, ऐसे एंट्री है सुखदेव गोस्वामी का, बिल्कुल धमाकेदार।
जब वो एंट्री होती है तो उसके बाद दूसरे स्कंद चलता है, फिर तीसरे चौथे स्कंद में वो अंदर जाते हैं थर्ड लूप में, जहां पे विदुर और मैत्रेय का संवाद होता है, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे से संवाद है चौथे स्कंद के बाद, और फिर बीच में एक बड़ा डिस्कशन, इसको छोटे छोटे कई डिस्कशन, सुखदेव उसमें बोलेंगे कि ऐसी बात, बीच में जो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं तो वो कहेंगे वहां पे ऐसी बात हुई थी, ऐसा बताया था, है ना। अब आपने सुना ना कहां से कथा शुरू हुई थी, सनकादिक ने नारद को बोला, वही कथा चल रही है, है ना। तो यहाँ पे फिर युधिष्ठिर और नारद का संवाद है जो थोड़ा बड़ा है सातवें स्कंद में, और उसके बाद फिर छोटे छोटे से संवाद है तीसरे स्कंद में, मतलब जब विदुर और मैत्रेय का जो संवाद है थर्ड लूप, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वही चीज फिर से, मैत्रेय ऋषि से जब विदुर ने प्रश्न किया तो मैत्रेय ऋषि कहेंगे ठीक है जो आपने प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न एक बार माता देवती ने भगवान कपिल देव से किए थे, और वही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो वो कपिल देवती के 10वां अध्याय वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे कथा चलेगी, तो सातवें स्कंद में युधिष्ठिर नारद एक बड़ा सेक्शन है, और फिर 11वें स्कंद में जो है भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं जाने अंतिम समय, वो अंतिम प्रवचन है भगवान के, जाते जाते आदमी सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल के जाता कि नहीं, तो वो अंतिम बात उद्धव ने सुनी थी। तो मैं आपको पूरा फ्लो समझा रहा हूँ, मैं तो पूरा फ्लो बता दूंगा। तो जो उद्धव ने वहां सुना था है ना, वही चीज उद्धव सुन के आ रहे थे और वृंदावन से निकल रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको भगवान ने कहा था कि आपको कहाँ जाना है, बद्रिकाश्रम में जाके वहां के ऋषियों को ये कथा जो मैंने आपको बताई उनको देना है, ठीक है। तो ये जब रास्ते से जा रहे थे वृंदावन होते हुए, तो इस वृंदावन में इनको विदुर मिले, तो जब कृष्ण उद्धव को बता रहे थे तो वहां पे मैत्रेय ऋषि भी आ गए थे, उन्होंने भी बैठ के कथा सुन ली थी, ठीक है। और मैत्रेय विदुर को उद्धव को कृष्ण ने बोला था तुम कहां जाके इसको बताना, बद्रिकाश्रम के ऋषियों को, और मैत्रेय को भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि आपको विदुर मिलेंगे, वहां डाउट नहीं है, नहीं मिले तो मिलेंगे, ठीक है, मैं कह दिया ना मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें विदुर जी मिलेंगे ना तो वो तुमसे पूछेंगे, तुमने ये बता देना, ठीक है, ऐसे चलता है मैसेज, है ना। तो उन्होंने विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि ने वहां से सुन के आए, और उद्धव जी भी सुन के आए, मैत्रेय ऋषि हरिद्वार चले गए, उद्धव जी वृंदावन के पास थे यमुना किनारे, और वहां पे उनको मिल गए कौन, विदुर। तो विदुर ने उनसे पूछ लिया, तो उद्धव जी कहते हैं आप तो मेरे चाचा की उम्र के हैं, आप अपने बड़े मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, जैसा कीजिए मैत्रेय ऋषि भी वहां पे थे, क्योंकि विदुर कहते हैं जो कृष्ण जाते जाते आपको मिले सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली होगी वो बात तो बताए अपने आप, मैं आपको जान दूंगा। उद्धव कहते हैं बात तो सही है, लेकिन कृष्ण ने जाते जाते ये भी बोला था मैत्रेय को कि तुम बताना विदुर को, तो आप जाओ हरिद्वार। तो जो 11वें स्कंद में जो बात हुई उसका जो जो पहले हुआ वो कहाँ है, 11वें स्कंद में, जो बाद में हुआ है थर्ड स्कंद में। तो वही मैत्रेय ऋषि से जब हरिद्वार में विदुर जी मिले तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को वो ज्ञान, ठीक है, इस तरह से लूप के अंदर लूप के अंदर लूप है, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है कि ये अटपटा सब क्यों है भागवतों में, कुछ आगे कुछ पीछे, भाई जो चीज पहले हुई वो पहले बताओ, जो चीज बाद, और कुछ चीजें हैं भी नहीं, कुछ डिटेल नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको दूसरे पुराणों में ढूंढना पड़ेगा। तो भागवतम जैसे हमने शुरू में बताया, ये भागवतम उतनी जानकारी आपको देगा जितनी आपके लिए बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि वैसे भी हमारे पास समय नहीं, इतना तो पढ़ने का समय नहीं, 18,000 श्लोक बाकी हम कैसे पढ़ेंगे। तो भागवतम में उतना उतना आएगा जितना जितना आपके लिए जरूरत है ना। जैसे जब आप कुछ जैसे डॉक्टर होते हैं ना, तो वो मेन मेन दवा ये है इतनी आपको खानी है, कुछ होते हैं ना आजकल डॉक्टर मेन दवा के साथ साथ सप्लीमेंट्री बहुत से देते हैं पैसा बनाने के लिए,
ना तो मेन मेन जो है वो आपको देता कि आप शुद्ध भक्त बन जाए, भगवत प्रेम आपको मिल जाए, बस उतना भागवतम है। इसलिए कहते भागवतम में शुद्ध भक्ति के अलावा और भी कुछ नहीं। इस तरीके से श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सूत गोस्वामी से सोना खादी ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे, क्या है? पहला प्रश्न है कि संसार के, अब ये तो याद हो गया होगा ना आपको, पहली चीज संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, ये है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सभी शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण इस धरती पर आए इसका क्या उद्देश्य है, माता देवर्दी सॉरी माता देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि भगवान कृष्ण के अवतार होने का उद्देश्य क्या है ना? और चौथा प्रश्न है भगवान के पुरुषावतारों के बारे में बताइए, पुरुषावतार है ना। पांचवा प्रश्न है भगवान की लीला अवतार, यानी कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी इनके बारे में बताइए। और छठवां प्रश्न है भगवान ने किसकी, धर्म ने भगवान के जाने के बाद किसकी शरण ली। 6 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो 6 प्रश्न के उत्तर क्या है? समस्त जीवों के कल्याण के लिए क्या है? सभी पुंसा करो धर्म यथा भक्ति रोचते, समस्त सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है करने के लिए वो क्या है? सवै पुंसा परो धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म है ना भगवान, ये शुरुआत की बात है, गीता खत्म यहीं पे हुई ना, सर्व धर्म सब सब धर्म छोड़ो एक धर्म अपनाओ, वो धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्म, परो माने सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? भक्ति। सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज माने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सवई पुंसा, और ये बात किस पे लागू होती है? सब लोगों पे, ऐसे नहीं खाली अंबाला वालों के लिए भक्ति है, कुरुक्षेत्र वालों के लिए कुछ और है, है ना नहीं? सवई पुंसा सबके लिए, सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। क्वेश्चन क्या था? सीधा सीधा जैसे हम लोग एग्जाम में लिखते थे ना, वैसे ही आंसर मिलता है। क्वेश्चन है कैसे सब लोग प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे? सभी लोग भक्ति करेंगे जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सुप्रसिद्ध थी। अहेत के ऊपर ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ऊपर ऊपर की प्रसन्नता की बात नहीं हो रही है, ये आत्मा, आत्मा में गहराई में आपको प्रसन्नता होगी, आपके हृदय को संतुष्टि मिलेगी। क्या करने से? अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, अहेतु की अप्रतिहत, दो चीज। अहेतु की माने ज्यादातर हम लोग सुनते हैं भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, ये सुना ही नहीं, भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, लेकिन यहां बात आ रही है अहेतु की भक्ति हमें करना है, जो अहेतु की भक्ति करेगा उसे अहेतु की कृपा। अहेतु की भक्ति क्या होती है? अहेतु की भक्ति माने बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करना। और हमने बताया भक्ति माने क्या है? प्रेम पुनर्थो महान, पर इसी को आप पकड़ लो 4-5 लोग, इसमें ही सारा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या है? प्रेम पुनर्थो महान। प्रेम में जहां स्वार्थ है वहां प्रेम कहां हो सकता है?
प्रेम तो निस्वार्थ होता है ना, तो अहित कोई हेतु ना हो, किस लिए करनी है भक्ति? भक्ति के लिए भक्ति करनी है, भक्ति करनी है ताकि और भक्ति मिले, और भक्ति मिलेगी तो और भक्ति करेंगे तो और भक्त बनेंगे, यही है। कब तक करना है? निरंतर। क्यों? क्योंकि अपने निरंतर आनंद मिलेगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर स्टेप, हर एक आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर स्टेप पे जो आपका आनंद है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अहेतु की माने आपको दूसरा कोई हेतु नहीं कि मेरा बंगला बन जाए, मेरा गाड़ी बन जाए, मेरे बच्चे के बच्चे हो जाए, ये सब कुछ नहीं। बस भगवान आपका प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए, आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों का मैं सेवा करता हूं। जब आप देखेंगे, यही सबसे बड़ी, सबसे यही मेन है। आप देखेंगे जो भी भक्त है, जब भगवान सामने प्रकट हो रहे हैं ना, आप देख लीजिए, जब कर्दम मुनि के सामने भगवान प्रकट हुए, जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, जहां भी भगवान आ रहे हैं, प्रहलाद के सामने नरसिंह देव आए, भगवान कहते मांगो। तो आप आगे भागवत में जब डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वो भक्त पतला क्या मांगता है। भगवान आपके भक्तों का संग चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, आपके सामने स्वयं साक्षात भगवान खड़े हैं ध्रुव महाराज। अब ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े, भगवान कह रहे आपको क्या चाहिए? भगवान खुद आ गए हैं, और क्या चाहिए? और क्या आवश्यक भाई? जो भी आदमी करना चाह रहा है उसकी सर्वश्रेष्ठ, उसका जो सर्वोच्च जो रिजल्ट है वो क्या है? भगवान स्वयं आ गए और आपसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए, तो और क्या चाहिए हो सकता है? नहीं, अब और क्या चाहिए? भगवान स्वयं आ गए, दर्शन हो गया, इससे बड़ा और मैं क्या लूं? तो वो कहते हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, भक्तों की सेवा चाहिए, कह रहे हैं सब। गुरु महाराज कहते हैं आपके जो भक्त अच्छे से भक्ति कर रहे उसके बीच में डालो, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं भक्तों के बीच में रहूंगा तो मैं अहित की भक्ति कर पाऊंगा। अगर भक्तों के बीच में हूं तो भक्ति हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। बिना संग के भक्ति नहीं हो सकती, है ना? बिना संग के भक्ति नहीं हो सकती। भक्तों के संग रहेंगे तो भक्ति होगी। अहेतु की अप्रतिहता, दो शब्द है बस इंपॉर्टेंट, अहेतु की, अरे अहेतु की समझ में आ गया? कोई हेतु नहीं, एक ही हेतु है, कृष्ण का प्रेम, बस भक्तों की सेवा, कृष्ण एक ही, है ना? मुक्ति भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी। ना धन चाहिए, ठीक है भाई, धन नहीं चाहिए, भगवान रूप से धन नहीं चाहिए, हमें पता है क्या चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। कई होते ना अनशन पे बैठ गए, पैसा एक भी नहीं, पर हजारों लोग बोल रहे जय, वो चाहिए ना तेरे को, ले नहीं, ना जन्म, अच्छा हमें पता है क्या चाहिए, जिसको धन नहीं चाहिए, जिसको जन्म नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? सुंदर, नहीं वो भी नहीं चाहिए, अरे फिर क्या? ना धनम ना जन्म ना, ये तो सबको चाहिए, इस पे तो सारे ही गुगली है, सारे क्लीन गोल्ड होते हैं, तो ये भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? हाँ अभी समझ में आ रहा है, तेरे को मुक्ति चाहिए, ना ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मेरी हे जगदीश मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की तो। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे बोले जन्म जन्म की बात कर रहे तू, सब लोग तो मुक्ति की बात कर रहे, तू कह रहा जन्म जन्म में दो, मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की तो, क्या चाहिए? अहित की भक्ति। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा बातचीत नहीं करी, हेतु की भक्ति, चप्पल
ठीक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा बातचीत नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 8 श्लोक बोले और उसमें सब कुछ आ गया पूरा, है ना। तो अहेतु की अप्रीतता, दूसरा शब्द अप्रतिहता, माने बिना किसी रुकावट के हम भक्ति करें, है ना। मंडे टू मंडे नहीं कि सिर्फ थर्सडे को व्रत करेंगे या खाली चतुर्थी में ही हम भक्त हैं, बाकी दिन हम दूसरा काम करेंगे, ऐसा नहीं। बिना कुछ भी हो जाए पर हमारी भक्ति जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, अन इंटेंशनल और अन इंटरप्टेड, मतलब कोई हम उसमें वो ना करें कि अब तो प्रभु जी ये हो गया इसलिए मैं नहीं आ पाया भागवत के कथा सुनने के लिए, या ये हो गया इसलिए मैं जप नहीं कर पाया, है ना। इसलिए तो सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड दिया गया ना, 16 माला कर लो भाई, रूपात का बुक्स पढ़ लो, है ना, 4 नियम का पालन करो, श्रवण कीर्तन, सिंपल। अगर आदमी बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में भी है तो हरी नाम तो ले सकता है ना, वाइफ का नाम ले सकता है तो हरी नाम भी ले सकते हैं। अहेतु की अप्रतिहता, मतलब बोला है कि भक्ति अधोक्षजे अधोक्षज की भक्ति करेंगे तो ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आपको प्रसन्नता होगी, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन है दो, अहेतु की अप्रतिहता, ठीक है। समस्त शास्त्र, दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है वो हमने समझ लिया, क्या है श्रीमद् भागवत, है ना, अभी पूरा पता है ना, निगम कल्प करोर फलम गलितम कैसे सब आया, ठीक है। तीसरा है भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या है, तो दूसरा प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 34वां और तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में आपको पता चलेगा कि भगवान अवतार लेते हैं जो सतोगुण में जो लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, जो सतोगुण में है उनको ऊपर लेने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियम का पालन करो तो सतोगुण में आओगे, है?